गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लाइव विद स्मिता। तो कुकिंग के साथ साथ मैं, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं DIY भी करती हूँ, तो आज मैं लेके आई हूँ एक नया DIY विच इज़ यू नो बॉडी स्क्रब। और इस बॉडी स्क्रब का मैंने नाम दिया है वनीला लाटे बॉडी स्क्रब, विच इज़ इतनी अच्छी खुशबू होती है ना जब आप स्क्रब करते हो, तो आप एक्सफोलिएट हो जाती है और एक रिजुविनेट हो जाती है आपकी स्किन। स्किन बहुत अच्छा लगता है जब स्क्रबिंग करते हैं, तो जिस तरह हम अपनी फेस की क्लिनजिंग और स्क्रबिंग सब कुछ करते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट होती है क्लिनजिंग और स्क्रबिंग की। हम क्लिनिंग तो कर लेते हैं बट हम स्क्रबिंग को अंडरएस्टिमेट करते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नया DIY वनीला लाटे बॉडी स्क्रबिंग स्क्रब। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं। बॉडी स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कंटेनर जिसमें हम अपना स्क्रब स्टोर करेंगे। तो मैंने एक ग्लास कंटेनर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें अराउंड 3/4 कप मैंने इसमें ब्राउन शुगर मैं डाल दूंगी इसमें। एक्चुअली ये लाइट ब्राउन शुगर है, मैं थोड़ा ही बना रही हूँ दिखाने के लिए। आप चाहें तो पूरा कंटेनर भर के बना लीजिए, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। आई कैन बेट। थोड़ा जल्दी करते हुए अब इसमें मैं ऐड करूँगी प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसकी अराउंड 10 ड्रॉप्स। ज़्यादा हो गया बट इट्स ओके, कोकोनट ऑयल इज ऑलवेज गुड। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, मैं टीस्पून वगैरह लेके नहीं बैठी हूँ, मैं इसके ढक्कन से ही मेजर करके डाल दूँगी। इसमें एक ढक्कन भी और आधा ढक्कन, करीबन आधा ढक्कन मैंने इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया है। एक बड़ा चम्मच भर के कॉफ़ी, बिकॉज इट इज़ वनीला लाटे। हम कॉफ़ी के ढक्कन बंद कर देंगे नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर, आप इसे फेस के लिए, बॉडी के लिए, लिप्स के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे कॉफ़ी कम लग रही थी इसलिए मैं 1 टीस्पून कॉफ़ी और ऐड करूँगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरा फेवरेट स्क्रब है और इसे फेस में, इसे लिप्स पे बहुत अच्छे से स्क्रब कर दीजिए। बहुत अच्छी स्मेल आती है और मज़ा ही आ जाता है। आप इसे पहले अच्छे से मिला लीजिए, अगर आपको कॉफ़ी कम लगती है तो आप कॉफ़ी और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे कम लग रही है बिकॉज आई लव कॉफ़ी एज अ स्क्रबर। देखिए हमारा स्क्रब है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी अब आप शावर लेने के लिए जाएं तो उसके इसको साथ लेके जाएं, नहाने के बाद मज़ा आ जाएगा स्क्रब करके। आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ अपनी हैंड पे। सबसे पहले लेट मी रिमूव द वॉच। देखिए टेक्सचर, अब हम इसे
देखिए, I love this smell. तो guys, this is it for today's video. बहुत मैस हो गया है, क्लीन करना है. तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी स्मेल आ रही थी और कैसा आपकी बॉडी फील कर रही है. बहुत स्मूथ हो गई है, एक्चुअली एक्सफोलिएटिंग हुआ है, एक्सफोलिएट हुआ है ये. तो या सी, सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट DIY. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.